सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग कार ब्लॉग। तो आज मैं ना आपको एक नई कार का ना अपडेट देने वाला हूँ, अपडेट टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का अपडेट देने वाला हूँ। तो अगर मैं ना इसके ना फीचर्स की बात बताऊँ ना भाई, जो नई वाली ना 2023 वाली जो इनोवा हाई क्रॉस आई है ना भाई, अगर मैं आपको इसके फीचर्स बताऊँ ना, तो आप स्कॉर्पियो एन XUV 7W, मतलब जितनी गाड़ी है ना सबको छोड़ के इसके पास आओगे, क्योंकि इसके अंदर माइलेज भी मिलता है, फीचर्स भी मिलते हैं, लुक भी मिलती है, और आपको इसमें ब्रांड की ना रिलायबिलिटी भी मिलती है। और ना अगर इसके ना मैं डिटेल में अगर आपको सारी चीज़ें बताऊँ ना, तो गाड़ी मेरे पास अवेलेबल होगी तब मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा। बाकी इसके अंदर मेरे पास ना सारी डिटेल पड़ी हुई है इसके फीचर्स की, इसके वेरियंट्स की, और इसके अंदर मतलब मेन फीचर जो क्रिस्टस ने ऐड हुए हैं वो सारी चीज़ें मेरे पास डिटेल में पड़ी हुई है। मैंने सारी डिटेल इकट्ठा करके इस लैपटॉप में डाल दी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई अगर ना मैं आपको इसके इंजन की स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ ना, तो भाई ये पहली तो फ्रंट व्हील ड्राइव मिलेगी आपको अभी, और अगर मैं इसके ना इंजन की बात बताऊँ ना, तो आपको ये टोटली पेट्रोल में मिलेगी, कोई डीजल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ये हाइब्रिड में आएगी, मतलब हाइब्रिड मतलब आधा बैटरी और आधा पेट्रोल, मतलब अगर हम कहें ना आधा ईवी आधा पेट्रोल में आपको ये गाड़ी एक एमपीवी मिलेगी। बाकी अगर आप इसके लुक की बात करते हैं ना भाई, पुरानी वाली जो क्रिस्टा थी ना उससे लुक में काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुकी है, और काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा मस्कुलर और शार्प डिज़ाइन के साथ आपको ये मिलने लग जाती है। बाकी अगर इसकी ना लाइट्स की बात करते हैं ना, तो लाइट्स आपको ये मतलब एक एलईडी लाइट शेप में मिलेगा, प्रॉपर ऑटोमेटिक मिलेगा, मतलब गाड़ी कहीं भी आप टर्न करेंगे तो प्रॉपर लाइट्स आपकी उधर के साइड आपको डायरेक्शन दिखाएगी। बाकी अगर हम बात करते हैं ना फीचर्स इसके अंदर भर भर के दे दिए, पैनारोमिक सनरूफ आपको मतलब मिल गई है इसके अंदर, पहले तो टोयोटा नहीं देता था, ना फॉर्च्यूनर में आता था ना इनोवा में आता था, लेकिन अब अभी जो आपकी हाई राइडर आई है, फिर आपकी जो इनोवा हाई क्रॉस आई है, इस दोनों में ना पैनारोमिक सनरूफ मिलती है, वो भी वाइड खुलने वाली, मतलब काफ़ी ज़्यादा खुलती है, मतलब जैसे अगर हमने देखा था उसी की तरह ओपन होती है, काफ़ी ज़्यादा वाइड खुलती है। बाकी अगर मैं आपको ना इसके ना इंजन स्पेसिफिकेशन की बात बताऊँ ना, तो 2000 सीसी का आपको इसके अंदर इंजन मिलता है। बाकी ना अगर आपको ना हॉर्स पावर की बात बताऊँ ना, तो 172 HP हॉर्स पावर इसके अंदर मिलती है। बाकी ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में ना आपको मतलब दो या तीन वेरिएंट ही मिलेंगे, मैं अगर वेरिएंट के नाम बताऊँ ना, तो VX, ZX और ZX ऑप्शनल आपको ये हाइब्रिड वेरिएंट में मिलेगा। ZX ऑप्शनल बिल्कुल ही टॉप एंड वेरिएंट है। और अगर मैं आपको इसका बेस वेरिएंट बताऊँ ना, तो बेस वेरिएंट G है, और बेस मॉडल से एक ऊपर मतलब सेकेंड बेस मॉडल का अगर मैं वेरिएंट बताऊँ ना, तो GX आपको वो वेरिएंट मिलेगा। बाकी मतलब टोटल जितने भी वेरिएंट्स हैं ना इसमें आपको मिलते हैं, मतलब मैं अगर आपको टोटल वेरिएंट्स की बात बताऊं, तो 5 वेरिएंट आपको टोटल इसके अंदर मिल जाएंगे, हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, मतलब हाइब्रिड तो रहेगी लेकिन स्ट्रॉन्ग। और अगर मैं आपको ना इसके माइलेज की बताऊं ना, तो भाई आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि जो गाड़ी ना डीजल में 11-12 की एवरेज देती थी, जैसे अगर इनोवा क्रिस्टा की हम बात करते हैं ना, तो वो डीजल में भी ना 11-12-13 की इससे ज़्यादा एवरेज वो नहीं देती थी, लेकिन ये पेट्रोल में होने के बावजूद ये आपको ना 20+ माइलेज देने वाली है। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा एक एक्साइटिंग चीज़ है। और ना अगर मैं आपको ना इसके ना हाई क्रॉस जी वेरिएंट की बात बताऊँ ना, तो भाई इसमें मतलब पहले तो मैं आपको ना ट्रांसमिशन की बात बता देता हूँ, भाई इसमें CVT ही मिलेगा, और मतलब यही मतलब ऑटोमेटिक ही मिलेगा। अगर मैं आपको बताऊँ ना, कुछ मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलेगा इसमें, आपको दो ही ट्रांसमिशन मिलेंगे CVT के, और ऑटोमेटिक आपको ट्रांसमिशन मिलेगा, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बाकी इसके अंदर पावर जो हैंड ब्रेक होता है ना, नॉर्मल वाला नहीं है, उसके अंदर पावर वाला हैंड ब्रेक है, तो बहुत बढ़िया चीज़ होगी, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक। मैं आपको ना बेस मॉडल की ना अगर चीज़ें बताऊँ, तो आपको 2000 cc का इंजन इसके अंदर मिलेगा ही, ऑटोमेटिक पेट्रोल इंजन मिलेगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। इसमें LED हेडलैम्प्स आपको बेस मॉडल से मिल जाएंगे, ब्लैक फैब्रिक आपको सीटें मिल जाएगी भाई, मतलब ब्लैक में मिलेगी फैब्रिक में, मतलब जो शादी वाली होती है। बाकी आपको नॉर्मली पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, और 4 स्पीकर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं ना इसके अंदर, अगर एयरबैग्स की बात करते हैं ना, तो स्टेयरिंग्स पे एयरबैग मिल जाएगा, बाकी को ड्राइवर के साइड आपको एयरबैग मिल जाएगा बेस मॉडल के अंदर, तो भाई काफ़ी अच्छा है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ ना, तो व्हीकल VSP
मतलब VSC जो होता है हमारा व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, वो आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। हिल होल्ड असिस्ट भी आपको बेस मॉडल के अंदर मिल जाएगा। बाकी अगर मैं बात करता हूँ ना, तो एनालॉग स्पीडोमीटर मिलेगा बेस मॉडल के अंदर, मतलब एनालॉग मिलेगा, कोई भी डिजिटल मतलब नहीं मिलेगा। और अगर मैं आपको बताऊँ ना MID आपको कितने की मिलेगी, 4.2 इंच की आपको इसके अंदर MID मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छा है। बेस मॉडल के अंदर भी आपको एक म्यूजिक सिस्टम का आपको ऑप्शन मिल जाता है। बाकी अगर मैं ना GX वेरिएंट की ना बात करता हूँ, तो उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। बाकी आगे बढ़ने से पहले ना आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस तरीके की ना अच्छी खासी कार्स की ना डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। बाकी आपका सपोर्ट रहे मेरे साथ, बाकी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, कोई भी क्वेरी हो कमेंट में मेरे को पिन कर दो, और मतलब कमेंट कर दो, उससे मैं आपको सारे जवाब आपको। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वेरिएंट के ऊपर, जिसका मतलब मैं आपको अगर बताऊं तो जो जी वेरिएंट है उससे ऊपर वाला है, मतलब सेकंड बेस वेरिएंट है GX। इसमें भी आपको ना 2000cc का ही इंजन मिलेगा, ऑटोमेटिक ही मिलेगा। और इसमें एडिशनल क्या चीज़ें मिलेगी वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट, हाइट एडजस्टमेंट इसके अंदर, पहले तो इसके अंदर ये चीज़ बढ़ जाएगी। बाकी अगर मैं आपको बताऊँ ना, 8 इंची का ना टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको इसके अंदर मिल जाएगा, मतलब थोड़ी सी चीज़ें इसके अंदर बढ़ जाएगी। बाकी अगर मैं आपको बताऊँ ना, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये दोनों चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगी। बाकी अगर मैं आपको बताऊँ ना, 16 इंचीज के अलॉय व्हील आपको इसके अंदर मिल जाते हैं GX वेरिएंट में, और ना SOS इमरजेंसी कॉल आपको इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये हो गए सेकंड बेस मॉडल की बात। अब ना अब थोड़ा सा ना सेकंड टॉप वेरिएंट, मतलब थर्ड टॉप वेरिएंट की अगर, सो फ्रेंड्स तो आगे बढ़ते हैं VX वेरिएंट में, जो कि टोयोटा हाई क्रॉस इनोवा का ना और सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कह सकते हैं जिसे हम। तो भाई इसके अंदर ना आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिल जाता है विद 2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ। और अगर मैं आपको इसके साथ एक्सटर्नल मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स की बात बताऊँ ना, तो इसमें 6 स्पीकर का सेटअप मिल जाता है, इसमें फुल LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं, बाकी आपको ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, 360 कैमरा मिल जाता है, पेडल शिफ्टर मिल जाता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग मिल जाता है, और आपको सॉफ्ट टच डैशबोर्ड जो टॉप एंड मॉडल में मिलता है ना, सॉफ्ट टच टैप, मतलब जो अगर मैं आपको बताऊँ ना, बेसिकली आपको इसके अंदर मतलब सारे फीचर्स मिल जाएंगे। और आपको ना इसके अंदर अलॉय व्हील वगैरह भी चीज़ें आपको इसके अंदर ऑफर की जाएगी। और अगर मैं आपको बताऊं, जो मैंने डिटेल कलेक्ट किया हुआ है, मतलब सॉफ्ट डैशबोर्ड मिल जाएगा, प्रॉपर सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, और ये इस वेरिएंट का नाम होगा VX। इसके अंदर अलॉय व्हील, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, और ऑटोमेटिक आपको AC और ऑटोमेटिक सारी चीज़ें जो मतलब जो एक बेसिकली नीड्स होती है। और डुअल टोन अपहोल्स्ट्री के साथ आपको सीटें मिल जाएगी, और आपको पैडल शिफ्टर्स वगैरह मिल जाएंगे, 6 स्पीकर आपका सेटअप मिल जाएगा। तो VX वेरिएंट में आपको ये सब मिल जाएगा। बाकी हम बात करते हैं ना, तो भाई ZX सेकंड टॉप वेरिएंट है, मतलब टॉप से एक नीचे वाला है। सबसे टॉप आपको ZX ऑप्शनल मिलेगा। ZX में जो मिलता है मैं आपको वो बता देता हूँ, ये भी 2 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में मिलता है, पैनारोमिक सनरूफ इसके अंदर मिल जाएगा, पावर टेल गेट मिल जाएगा, और मतलब मेमोरी सीट्स फंक्शन, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और 10.1 इंचेस का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन डिजिटल, आपको सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएगी। इनफैक्ट एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएगी। बाकी अगर हम बात करते हैं ना, तो लेदर सीट्स इसके अंदर मिल जाएगी, 9 स्पीकर का ना JBL सेटअप आपको मिल जाता है, साउंड सिस्टम, बाकी कर्टन एयर बैग्स भी इसके अंदर मिल जाएंगे, मतलब आपको इसके अंदर एयर बैग भी इन्हेंस हो जाते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, इसके अंदर सनरूफ, मतलब जो बेसिक्स नीड्स होती है ना, इसके अंदर अभी भी 16 इंचेस के अलॉय व्हील आने वाले हैं, डायमंड कट नहीं होंगे और ना डुअल टोन होंगे, बाकी सिल्वर कलर का आपको एक बढ़िया सा, एक अच्छा खासा, एक लुकिंग गुड लुकिंग व्हील आपको इसके अंदर मिल जाएगा, जो कि क्रिस्टा से, मतलब क्रिस्टा का जो अलॉय व्हील था उसी टाइप का, सिमेट्री टाइप का आपको वो अलॉय व्हील मिल जाएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं ना ZX ऑप्शनल की, इनोवा की, तो ZX ऑप्शनल जो सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, इसके अंदर आपको मिल जाएगा लेन कीप असिस्ट फीचर, जो आपको एडास में फील होगा, पता चलेगा कि एडास में होता है। बाकी अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, मतलब जो एडास में मतलब आपको मिलता है, एडास लेवल 2 इसके अंदर आपको मिल जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी मिल जाएगा,
ORVMs जो होते हैं ना उसके कॉर्नर में एक ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर होता है वो आपको मिल जाएगा। बाकी ऑटोमेटिक हाई बीम भी मिल जाएगा, मतलब आप जैसे ही चलेंगे हाईवे वगैरह पे तो ऑटोमेटिक सेंस करने के बाद आपकी हाई बीम ऑन हो जाएगी। बाकी रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ ना, फीचर लोडेड आपको इसके अंदर ZX ऑप्शनल में मिल जाएगा। और अगर मैं आपको बताऊँ सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है ना, VX वेरिएंट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी है जिसके अंदर आपको 20 प्लस माइलेज मिलने वाली है इन पेट्रोल 2000 cc के साथ। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगी, पैडल शिफ्टर और रियर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और ये सब, मतलब सारी चीज़ें जो मतलब एक बेसिक्स नीड होती है वो सारी चीज़ें आपको एक VX वेरिएंट के अंदर मिल जाएगा। मतलब बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ ना तो ये मिड वेरिएंट है इसका और ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। सो फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके के ना आपको इनोवा हाई क्रॉस के ना सारे ऑल वेरिएंट्स आपको मैंने अभी डिस्कस किए। तो भाई लास्ट में ना हमें ये निकल के आता है कि भाई इसके अंदर प्राइसिंग आपको कितनी मिल जाएगी, मतलब कितने तक की आपको प्राइसिंग मिल जाएगी। तो भाई अभी तो कोई प्राइसिंग का लिस्ट हमारे पास अभी तक आया नहीं है, ना टोयोटा ने रिवील किया है। अगर मैं आपको बताऊँ ना, अप्रॉक्सीमेटली जो क्रिस्टा में आता था, जो बेस मॉडल भी आपको अगर मैं बताऊं तो 22 का बेस मॉडल आपको ऑफर किया जाता था मतलब क्रिस्टा में, तो वही अप्रॉक्स आपको इसके अंदर मिलेगा। अगर मैं आपको बताऊं ना तो 22 लैक्स अप्रॉक्स आपको बेस मॉडल के लिए पे करना पड़ेगा ऑन रोड। और अगर मैं बताऊं ना टॉप मॉडल की बात बताऊं तो वो काफ़ी महंगा जाने वाला है, मतलब इनफैक्ट आपको मैं अगर बताऊं 35 लाख से इंक्रीज ही होगा, कम नहीं रहेगा, 35 लाख से ऊपर ही रहेगा अगर हम टॉप मॉडल की बात करते हैं। और अगर हम बात करते हैं ना बेस मॉडल की तो अप्रॉक्स 29-28 के आपको अप्रॉक्स आपको ये वेरिएंट मिल जाएगा। बाकी जैसे ही VX जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो अगर हम बात करते हैं तो मैं अभी उसकी वेरिएंट की डिटेल बताएगी, मतलब 29 के अप्रॉक्स आपको वो बेस मॉडल प्राइस का मिल जाएगा। बाकी टॉप एंड वेरिएंट में भी 35 भी हो, 35 से अबव भी हो, अभी कोई डिटेल्स नहीं आई है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।